अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी चलिए आप सभी ठीक होंगे। और खुश नहीं हूँ क्योंकि भाई भाभी और सुल्तान जा रहे हैं सुबह, बस ये इनका लास्ट टाइम है अब, इधर थोड़ा सा बचा है। और स्लो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुल्तान सो रहे हैं, और अंधेरे में भी इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि सुल्तान सो रहा है। मैंने फ्लैश लगाया हुआ है तो मैंने कहा आप लोगों से हेलो हाई कर लूँ। और ऊपर बहुत ज़्यादा खटपट हो रही है क्योंकि सोलर सिस्टम लग रहा है हम लोगों का। फाइनली घर पूरा सोलर पे करवा रहे हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा बिजली महंगी है ना, इससे तो अच्छा बंदा सोलर प्लेट्स लगवा ले। कहते शाबाश, कहता ऊपर से पकड़ के गिराऊंगा तो सारे गिरेंगे। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक हाथ से उसने माल्टों की भरी हुई टोकरी उठाई है। जग्गा बदमाश, इसके अंदर रखो। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, तेरी है ये चाची, तेरा बेला का चाची, तेरी है ये चाची, तेरी है ये चाची, तेरी है ये चाची। मम्मा की कॉल आ रही है, काश वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इस लॉन्च में खड़े हो जाओ, उन्होंने बाहर जाना है, बाहर ले जाओ उनको, जा रहे मेरा मतलब है। और ये जी हमारा मिट्टू उठ के लगा हुआ है, जहाँ कहीं ये माल्टों की पड़ी हुई टोकरी देखते हैं ना, पकड़ के उल्टा देते हैं। और अब शामत आई है मामा के मोबाइल की, इसके मामा पापा गए हुए हैं शॉपिंग करने और मिट्टू हमारे पास है। बस हमारे लिए तो ये एक लम्हा इसका कीमती था कि किसी बस जाने से एक दिन पहले ही हमें इतनी टेंशन पड़ी हुई थी, लो जी अब बस एक दिन रह गया, अब एक दिन रह गया, अब इतने घंटे रह गए, और इस टाइम से समझे कि काउंटडाउन शुरू हुआ था, बस अब इतने घंटे रह गए, अब इतने घंटे रह गए। इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह से, हमारे घर की रौनक है। और जब इसने आना था तो इतने दिन इस खुशी में गुजर गए, और अब जाना है तो बस अब उदासी उदासी। और ये देखें सारे किचन में माल्टे माल्टे हो गए हैं, और रूम में जाके भीड़ लगा हुआ चाचू के साथ। इसकी फुल कोशिश होती है कि मैं जूते पकड़ूं, कहीं पे इसको जूते नज़र आते हैं, जाहिर है कारपेट्स जहाँ पे घिसे हुए हैं वहाँ पे अपने शूज़ उतार के अंदर जाना होता है। उसकी फुल कोशिश होती है कि मैं जूता पकड़ लूं। अब ये पूरी कोशिश कर रहा है कि थोड़ी सी जगह से मेरा हाथ डाल के मेरा जूता आ जाए, कभी इधर कभी उधर। ये इसका फेवरेट खेल बना हुआ है आजकल, और ऐसा है ये टिन अपनी घुसा ही लेता है, दा लगा ही लेता है अंदर से जूता लेकर आने में, और उठाता है सीधा मुँह के अंदर। ये देखिए अब आप लोग इसकी चलाकियाँ चेक करें, और मुझे डर था कि इसकी टिंड लग जानी है, मुश्किल से ही बची है इसकी टिंड। और सॉक्स देखें, एक पहनी हुई है एक उतारी हुई है, मज़े हैं हम देख रहे हैं। ऐसे करता है डिस्ट्रैक्ट कि मैं थोड़ा इधर उधर देखूं, इनको लगे कि मेरा ध्यान हट गया, और फिर मैं एकदम से हमला कर दूँ। मिट्टू ये मेरे छोटा सा मिट्टू है, ये पाला सा मिट्टू है। आजो आजो सुल्तान, मामा पापा, पापा ने लिफ्ट करा रहे, पापा कह रहे हैं जाओ, पापा कह रहे हैं यहाँ शिकार ले, कुछ घंटे रह गए। आओ चलें पापा, पापा चलो खाना खाने चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख इसे कितना मजा आता है। हाँ ये देख चाचू को खींच के लेके जा रहा। ये चाचू है, वॉकर नहीं है। छोड़ दो इसको। इधर ये वीडियो लास्ट में बनाने जी खेलने वाली ना, गुस्सा है ना टेंट ले लिया। वो देख यहाँ से बीच में से गुजरने का उसको बहुत ही शौक है। लेकिन तुझे ये नहीं पता कि दूसरी तरफ रास्ता नहीं है, ये गोल है।
वो यहाँ से निकल आके गोबर चेक कर सुननी सी तेरे यहाँ से गुजर के उसने अपना साइड देख कैसे चेंज की है ये देख। हाँ पकड़ी गई सुंडी, सुंडी पकड़ी गई। उसका पहले और यहाँ पे जी मिठू रेडी शेडी हो गए, दूध पी रहे हैं, हम लोग जाने लगे बाहर खाना खाने। इतने दिनों में मतलब थोड़े से बेचारे दिन थे, हमें कोई फुर्सत ही नहीं मिली कि बाहर जाके डिनर करें। तो अब भाई ने कहा चलो एक डिनर कर लेते हैं जाते जाते, बस ये देखें कि सुबह इनकी फ़्लाइट है और अभी इतनी रात हो गई है, फिर हम डिनर करने जाएंगे। और अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, कुछ सिलेक्ट नहीं किया, बस ये सोचा कि फटाफट चलो गाड़ी में तो बैठे ना, फिर डिसाइड हो जाएगा कि किधर जाना है। और अभी इन्होंने पैकिंग भी करनी है, टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है। और हम बस ये कह रहे थे, अच्छा ये होता है कि दोनों छोटे वाले भाइयों को पसंद है हांडी टाइप मतलब चिकन की डिशेज़, और दानिल को पसंद है मटन की डिशेज। वो चिकन की डिश खा लेते हैं लेकिन उसे ना सिर्फ जस्ट कढ़ाई जो एक प्रॉपर ढाबा स्टाइल कढ़ाई होती है उसको वो पसंद है। तो अब इन्होंने ये सोचा कि हम मेहराब होटल जाएँगे, मेहराब होटल है उधर मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पर। तो अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने कहा जाते जाते अभी 12 बज जाएंगे, कम से कम भी 11:45 हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है हम वहाँ चलते हैं। और ये आप मेरी शक्ल देख के गैस कर सकते हैं कि हम कितनी मुश्किल से बैठे हैं, इतने सारे लोग एक गाड़ी में ठूस ठूस के। लेकिन ये कहते हैं कि मज़ा एक ही में जाने में आता है, तो इस वजह से ना हम एक में ठूस गए हैं ताकि गप्पे शप्पे लगाते जाएँ दो गाड़ियों में। वो कहते हैं मज़ा नहीं आता फिर। और फाइनली हम मेहराब होटल नहीं जा सके क्योंकि उसका रास्ता ही ब्लॉक था, आगे से पता नहीं कोई पुल वगैरह बन रहा था। तो हमें वापस घूम 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 के शहर के चक्कर लगा के HN फूड पर आना पड़ा, क्योंकि यही वाहिद जो था ना वो इस टाइम तक ओपन था। ओपन तो कोई और भी था लेकिन इसमें अच्छा खासा भी रश भी था। तो हमने कैसे भी चले जाते हैं, आते जाते से गुजरते हुए देखते तो थे हम। और अब इस पर आ गए हैं कि ये प्रॉपर एक ढाबा स्टाइल है, इस पर लाइव कुकिंग हो रही होती है हर वक्त। मतलब नीचे उन्होंने ढेरों के हिसाब से रखे हुए कुकर, जो जिस टाइम मटन ऑर्डर होता है उस टाइम वो बना कर देते हैं। तो ये इनका है चार पीस स्टाइल, ये गोल्डन और सिल्वर कलर की ना बड़ी प्यारी प्यारी सी तिल्ले टाइप समझ लें या पन्ना होता है, मम्मा कहती हैं एक उसकी चारपाइयाँ बनी हुई थी, एक गोल्डन थी एक सिल्वर। ये है सोने की चारपाई, आई मीन के चारपाइयाँ तो सारी सोने के लिए होती हैं, ये एक गोल्ड की चारपाई। और जब तक खाना नहीं आया तब तक उन्होंने सलाद और रायता सर्व कर दिया, तो फिर उसके ऊपर सारे टूट पड़े क्योंकि 12 से ऊपर टाइम हो गया था और भूख सबको इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बस कुछ पूछे ना। तो सलाद और रायते को बाद में तो कोई नहीं पूछता, लेकिन सबसे पहले इसकी कदर बड़ी होती है। और वही उसकी कदर आप देख लें कि वो इधर से उधर जा रहा है, और उन्हें डिस्पोजेबल में इसलिए दिया है कि अगर आपका सलाद बच जाए तो आप वापस उठा के अपने घर साथ ले जा सकते हैं। ये है इसका फुल व्यू ऊपर से, और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके, इसकी हो रही है लाइव कुकिंग। पूरे चारों तरफ लाइव कुकिंग हो रही है, मतलब इनके बहुत बड़े बड़े से किचन है। मैं नीचे जाके आपको ना जब नीचे उतरेंगे तो फिर भी आपको एक फुल व्यू दूंगी। और ये है इनका मेन्यू कागज़ के ऊपर, शिनवारी काबली और पता नहीं शीफा शुफा जो भी है, मतलब ज़्यादातर मटन की डिशेस थी और असली देसी मुर्ग कढ़ाई। तो हम लोगों ने भी बस कुछ ऑर्डर कर ही दिया। और उसके बाद खाना आने तक हमने काका के फीडर के ऊपर धावा बोल दिया। ये इसकी फीडर में ना टॉफ़ीज थी, मतलब आप देखें भूख हो कि इंतहा, चेक करें कि हमने काका की फीडर की टॉफ़ीज भी खा ली हैं और सिर्फ एक दो छोड़ी हैं ताकि वो हलाए तो उसको उसकी आवाज़ें आ जाएं। यहाँ पर आने का एक नुकसान हुआ कि पीछे सारी ट्रैफिक जा रही थी ना, ऊपर से आवाज़ें आ रही थी ट्रैफिक की, तो ये हमारा काका बहुत डरता है। ये वहाँ पर अकेला रहता है तो आवाज़ से ये बहुत डरता है, कोई बाइक तेजी से गुजर जाए तो रोने लग जाता है। वरना ये इतना कोई प्यारा बीबा बच्चा ना, वैसे ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता, रोता नहीं है। और यहाँ पे हुआ प्रैंक, ये उन्होंने एक चाप मंगवाई है 430 रुपए की, 480 की, पहले ये खाओ आप खुश रहो, ये सर्विंग हुई है, अल्लाह आपको खुश रखे भाई। खाओ ना, अब तो आपने इसके हर हर रेशे पे कह दे, खाओ ना टेस्ट करो। धरती पे जाके
तो हम सारे यहाँ पर हंसली इसलिए रहे थे क्योंकि हम लोगों ने बनाए थे मंगवाए थे सॉरी मटन सीख कबाब और मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी चाप, तो उन्होंने सिंगल जो सर्विंग है उसकी चाप की ना देख देख के हम हंसा से कमले हो रहे थे कि अल्लाह प्लेट में एक चाप सर्व की गई है आपको, वो भी 500 रुपीज़ की, 480 रुपये की। मैंने कहा खाए मज़े करें, हम सब ने तो कबाब खाए और साथ में इन्होंने मटन भुना हुआ भी मंगवाया था, वो बाद में आया था कढ़ाई के भी बाद, और चिकन कढ़ाई पहले आ गई थी। खैर हमने इंजॉय किया और फिर निकले घर को, और जी यहाँ से आप लोग देखते थे मैं इसका टूर भी आपको कराती जाती हूँ। देर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि घर जाते जाते हमें 2 बज गए। मामा पापा साथ आए नहीं थे क्योंकि मामा को बुखार था, फिर पापा ने भी घर में ही खाना खा लिया, उनको हम खाना देकर आए थे, और ये भी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी जाएँ, मामा की तबीयत ख़राब है जाके उनको भी देखें, और ये भी था कि भाई भाभी ने पैकिंग भी करनी थी, उन्होंने सुबह निकलना भी था। बस ये हुआ है एंड टाइम पे मुझे इसका मुझे अभी तक रिग्रेट है कि मैं सुबह के टाइम आके ना दोबारा इनसे मिल नहीं सकी। मुझे लगा था कि ये लोग 8:30 बजे निकलेंगे, लेकिन वो लोग तो 8 बजे निकल गए। ये देखें ये इनकी सारी नीचे लाइव कुकिंग इस तरह से भी हो रही है, वो लोग सुबह 8 बजे निकल गए और मैं थी अपने घर, और बस उस वक्त हस्बैंड ने जाना होता है, आपको पता है सुबह सुबह का टाइम उनकी तैयारी का होता है, तो मैं नहीं आ सकी, और लास्ट टाइम पे मैं जाते हुए इनको सी ऑफ नहीं कर सकी। वरना हर दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं भाई को छोड़ने। इसी सैड मूड के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलूँगी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।